ये मूवी दोस्तों आप सभी लोगों ने देखी होगी, इसी का दोस्तों मैं पेंटिंग बनाऊंगा। दोस्तों हाय हेलो गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है फिर से मेरे इस नए व्लॉग पे। तो दोस्तों आज बहुत दिनों के बाद व्लॉग शूट कर रहा हूँ, तो आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे मस्त होंगे। इतने दिनों दोस्तों मैं काफ़ी सारी कमीशन वर्क कर रहा था और इससे है ना दोस्तों मेरी जो आदत है वो बहुत ख़राब हो चुकी है, क्योंकि रात को मैं बहुत देर तक जगता रहा और सुबह बहुत लेट से उठ रहा हूँ। तो 2-3 दिन में ही दोस्तों मेरा आदत जो है बहुत ख़राब हो चुका है और अभी दोस्तों सुबह के 10 बज रहे हैं। तो आपने ये सब वर्क तो देखी है, तो ये वाली वर्क देखो दोस्तों कितना शानदार लग रहा है। दोस्तों मैंने फर्स्ट टाइम बनाया है और इनका नाम जो है फ्लोरेंस नाइट एंजल है, तो आप देख सकते हैं कितना शानदार मैंने इसे बनाया है। तो चलिए, हम लोग के यहाँ 2-3 दिनों से दोस्तों बारिश नहीं हुई है, इसलिए बहुत गर्मी लग रहा है यहाँ। तो चलिए आज का दिन हम लोग का कैसा रहता है वो देखिए, और आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं वो आप लोग को आगे देखने को मिलेगा। और हम जा रहे हैं दोस्तों अपने स्कूल के काम से, जो कि आपको आगे देखने को मिलेगा। और आज मौसम जो है कभी बादल कभी धूप सा हो रहा है, और आपने इस चर्च को काफी बार देखा है मेरे ब्लॉग पे जो कि कमडारा प्रखंड में है। और दोस्तों मेरे साथ है शशि, और अभी दोस्तों हम लोग वो रोड पे हैं जहाँ पर टेम्पू या ऑटो कह लो वो ज़्यादा चलती है, बड़ी गाड़ियाँ नहीं चलती हैं। तो हम दोस्तों स्कूल के काम से जा रहे हैं, तो आपको आगे देखने को मिलेगा और आपको बताऊंगा अभी दोस्तों कौन सा काम है। और यहाँ से दोस्तों रोड बटी हुई है, जो कि एक इधर हमें लापुंग की ओर ले जाती है और इधर रांची, तो सीधे दोस्तों हम लोग को इधर जाना है। और यहाँ से दोस्तों हमें 15 से 20 किलोमीटर और जाना है, जो कि रेड़वा पंचायत होगा। बारिश होने से दोस्तों देखो जंगल जो है पूरा हरा भरा हो चुका है, और इस साइड किसी ने दोस्तों आग लगा दिया था शायद, इसीलिए इस साइड कुछ अलग लग रहा है। और इस साइड देखो दोस्तों पूरा हरा भरा लग रहा है। और काफी सालों पहले दोस्तों यहां पर बहुत ही खतरा रहता था इस जंगल पे, क्योंकि दोस्तों इस जंगल में काफी ज्यादा लूटपाट होती थी। और आप देख सकते हैं पेड़ भी नीचे यहाँ पर गिरा हुआ है, और यहाँ के लोग कम से कम रोड को साफ कर देना चाहिए। आजकल ये दोस्तों रोड जो है सुनसान नहीं रहता है, कुछ साल पहले दोस्तों बहुत सुनसान रहता था जब ये रोड नहीं बनी थी। और इस साइड दोस्तों शायद बारिश भी हुई थी, रोड भीगा भीगा सा लग रहा है, तो हल्की फुल्की बारिश हुई होगी। और गांव में दोस्तों रास्ते कैसे होते हैं आप देख सकते हैं, कहने का मतलब ऊबड़ खाबड़ बहुत ज्यादा है। किसी तरह दोस्तों रोड को बनाया गया है, और बहुत सालों पहले दोस्तों पूरा कच्चा रास्ता था। यहाँ पे दोस्तों स्कूल किस जगह है हमें भी नहीं मालूम, कहने का मतलब हम लोग काम करने के लिए बहुत पहले आए थे, बट दोस्तों हम लोग भूल चुके हैं, बहुत दिन हो गया है दोस्तों यहाँ पे काम किए हुए हमें। तो शशि जो है उधर देखने गया था, और आजकल दोस्तों सारे गांव के लोग अपने काम पे बिजी हैं, यानी कि अपने खेत पे होंगे, तो इसलिए दोस्तों कोई यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो दोस्तों हम किसी से जानकारी भी नहीं ले सकते, हम ही लोग ढूंढते हैं। बाइक फिलहाल हम लोग ने यहाँ पे खड़ा कर दिया है, और शशि गया है उस साइड। तो फाइनली दोस्तों हमें मिल चुका है वो स्कूल, आप देख सकते हैं टूटा टूटा नजर आ रहा है दोस्तों, उसी को हम लोग को रिपेयरिंग करना है और उस पर पेंटिंग बनाना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितना टूटा फूटा है, तो इसी को दोस्तों हमें रिपेयर करके उसके बाद दोस्तों पूरा रंग रोगन करके इसको मॉडल टाइप का स्कूल बनाना है। तो ये दोस्तों ब्लॉक स्तर से काम होगा, और वीडियो जो है इस काम को करवा रहे हैं, तो उन्हीं को ये फोटो वगैरह दिखाना है। जो भी स्कूल को दोस्तों हमें पेंट करना है वही सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अभी हमें जितना भी स्कूल मिलते जाएगा दोस्तों हमें फोटो खींचते जाना है, तो ब्लॉक स्तर से दोस्तों ये काम होगा, तो हमें दोस्तों ये वीडियो को दिखाना है, और इसी तरह से दोस्तों 4-5 स्कूल को हमें फोटो खींचना है और हमें देना है। तो ये देखो दोस्तों कितना खूबसूरत सा पहाड़ है, और काफी शानदार लग रहा है दोस्तों, पत्थर ही पत्थर देखो एक दूसरे पे कैसे लदे हुए हैं। फिर से दोस्तों ऐसे ही जंगल के रास्ते, और आप देख रहे हैं दोस्तों कितना खराब रोड है, और यहाँ दोस्तों 4-व्हीलर तो चलेगी नहीं, तो आप देख सकते हैं कितना खतरनाक। और यहाँ से थोड़ा सा रास्ता जो है ठीक है जैसा लग रहा है, आगे दिख रहा होगा, मतलब ये सीमेंट का रास्ता है दोस्तों, ये भी पूरा पक्का रोड नहीं है, जिसे PCC कहा जाता है, और ये यहीं तक था दोस्तों। और अभी दोस्तों हमें 3-4 स्कूल ऐसे ही घूमना है, तो चलिए देखते हैं हम लोग का आज का दिन कैसा गुजरता है, और इसके बाद दोस्तों सीधे घर चलेंगे, मतलब 2-3 स्कूल हम लोग घूमेंगे उसके बाद ही हम लोग घर चलेंगे। और वैसे तो दोस्तों अभी 12 बजने वाले हैं, चलिए देखते हैं क्या होता है।
तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं एक दूसरे स्कूल पे। आप देख सकते हैं कितना शानदार ये स्कूल है, मतलब साफ सुथरा है। फाइनली दोस्तों अब हम यहां से निकलते हैं और सारे स्कूल दोस्तों मैं नहीं दिखाऊंगा आप लोगों को, जो कि सिर्फ मुझे फोटो खींचना है और दिखाना है। तो फाइनली दोस्तों हम एक प्राचीन मंदिर जगह पहुंचे हैं, जो कि बहुत दिनों के बाद हम लोग यहाँ पर आए हैं, तो हम लोग ने सोचा कि घुस लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत पुराना मंदिर है और आप देख सकते हैं पीछे साइड जो शशि खड़ा है, और इधर इस साइड दोस्तों एक बजरंगबली की मूर्ति है। और इस मंदिर को मैं आप लोग को दिखाऊंगा बड़ी अच्छे से, क्योंकि ये बहुत पुराना पत्थर भी है और ये पूरा पत्थर से बना हुआ है। तो चलिए मैं दर्शन वगैरह कर लेता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। ये देखिए दोस्तों अंदर साइड में एक शिवलिंग है बहुत बड़ा सा, और बाहर आप देखिए इसका जो दीवार है दोस्तों आप देख सकते हैं पूरा पत्थर से बना हुआ है, और काफ़ी शानदार इसका डिजाइनिंग जो है वो बनाया हुआ था उस समय का दोस्तों, जिस समय ये बना हुआ होगा। स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कितना सुंदर बनाया हुआ है, और वो पूरा पत्थर से ही बनाया हुआ है दोस्तों। कहने का मतलब सभी साइड से एक ही तरह का होगा, तो आप देख सकते हैं। और ये दोस्तों प्राचीन मंदिर है जो कि पुराना डिजाइन। और दोस्तों आप सामने जो टाइल्स वगैरह लगा हुआ दिख रहा है वो दोस्तों बाद में लगाया हुआ है, और ये गेट वगैरह भी बाद में ही लगाया हुआ है। कहने का मतलब इसे इस पर रिपेयरिंग वगैरह का काम हमेशा होते रहता है। और उस साइड भी दोस्तों एक मंदिर है, वो भी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। काफी बड़ा शिवलिंग है और इसके दरवाजे पे देखो दोस्तों कितना शानदार डिजाइन बनाया हुआ है। देख सकते हैं दोस्तों बजरंगबली की मूर्ति, और इस साइड एक मंदिर है, तो ये भी देखिए आप। और उस साइड दोस्तों आपको गोल सा दिख रहा होगा, वहाँ पर दोस्तों कीर्तन होता है, और ये बाद में बनाया हुआ है। और इस साइड भी देखिए मंदिर, यहाँ पर भी दोस्तों एक स्टैचू है जो कि सूर्य भगवान का है, मुझे लगता है दोस्तों, मुझे भी नहीं मालूम, बट ये मंदिर बाद में बनाया हुआ है। तो फाइनली दोस्तों हम दर्शन कर लिए हैं और यहाँ से हम निकलेंगे। तो चलिए आप तो सीधे हमें स्कूल ही भटकना है, तो सारे स्कूल दोस्तों मैं आप लोग को नहीं दिखा पाऊंगा, तो चलिए अपना जो हम लोग का काम है वो दोस्तों करते हैं, उसके बाद दोस्तों हम सीधे घर चलेंगे। वैसे भी दोस्तों बहुत सारे स्कूल जो है बंद हो चुके हैं और कुछ कुछ खुले हैं। प्राथमिक विद्यालय है वो बंद हो चुका है, और मध्य विद्यालय वो दोस्तों खुले हुए हैं, शायद 2 बजे तक का सेशन होगा। दोस्तों मैं आ चुका हूँ घर, और शशि को दोस्तों मैंने छोड़ दिया है उसी के घर, और काफ़ी लेट हो गया दोस्तों हमें लौटने में। जिस साइड दोस्तों हम लोग गए हुए थे उस साइड काफ़ी दोस्त लोग मिल गए थे, उन्हीं लोगों की वजह से दोस्तों मेरा काफ़ी लेट हुआ है, और उसके बाद से दोस्तों मैंने वीडियो तो शूट ही नहीं किया है। दोस्तों के सामने मैं वीडियो वगैरह शूट नहीं करता हूँ, वैसे दोस्त लोग मेरे वीडियो देखते हैं, बट क्या करूँ, लोग मजाक भी उड़ाते हैं, इसीलिए दोस्तों मैं शूट नहीं करता। तो अभी दोस्तों मैं स्केच करूँगा, एक नया पेंटिंग बनाने वाला हूँ जो कि मैं आप लोग को दिखा दूं। ये मूवी दोस्तों आप सभी लोगों ने देखी होगी, तो इसी का दोस्तों मैं पेंटिंग बनाऊंगा। बहुत दिन हो गए दोस्तों मैंने किसी एक्टर या एक्ट्रेस का पेंटिंग नहीं बनाया है, तो इसलिए दोस्तों आज मैं इस पेंटिंग को स्टार्ट कर रहा हूँ। कहने का मतलब स्केच मैं करूँगा, बट दोस्तों इस वाले वीडियो पर आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। आपको शाम को या 6 से 8 बजे के अंदर ये वीडियो मैं पब्लिश कर दूँगा, तो वो आप लोग ज़रूर देखना, और आप लोग को बहुत हेल्पफुल होगा दोस्तों स्केच करने में, और मोटिवेट भी होंगे कि मैं कैसा स्केच करता हूं और कितना मेहनत लगता है वगैरह वगैरह। आप लोग को फिर से मैं ग्रिड मेथड के द्वारा ही समझाऊंगा। फिर किसी ने कमेंट किया था दोस्तों कि ग्रिड मेथड के बारे में फिर से समझाओ। मैं दोस्तों कोई भी पेंटिंग स्टार्ट करने से पहले ग्रिड का यूज़ करता ही हूँ, और आप लोग को भी बताता ही हूँ, बट दोस्तों जितने भी नए नए सब्सक्राइबर जुड़ते जाते हैं वो दोस्तों कमेंट करते हैं कि आप ग्रिड मेथड के बारे में समझाइए वगैरह वगैरह, तो दोस्तों मैं इसमें भी आपको वही समझाऊंगा। तो मैं दोस्तों इसे स्टार्ट कर लूँगा और आपको ये शाम को देखने को मिलेगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। गाइज इस ब्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पर एंड, कल फिर मिलूंगा आपसे एक नए ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।